आई कार्ड मेरा फेंक दिया, थप्पड़ मार दिया, बोला तू फौजी तू क्या है साला, बदतमीजी देने लगा मेरे से। बोला ठीक है, उसके बाद फिर साला हमारी बिल्डिंग निकलने लगा, फिर मैंने कुछ बुलाई नहीं उसके बाद। उल्टा आप ही के खिलाफ? हाँ, उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया। यूपी पुलिस की बदसलूकी का शिकार हुए इस फौजी का दर्द सुना आपने। जम्मू कश्मीर में सीमा पर तैनात शशि छुट्टियों पर मैनपुरी अपने घर आया है। परिवार के साथ बेवर में नेजा चढ़ाने गया, इसी दौरान चेकिंग कर रहे सिपाही ने हाथ में डंडा मार दिया। फौजी का हाथ लहूलुहान हो गया। शिकायत लेकर जब वो थाने पहुंचा तो उल्टा उसे ही परेशान किया गया। वहाँ करीब 5 बजे से लेके और 11 रात के 11-12 बज गया था, तब तक मैं रिक्वेस्ट करता रहा, बोलता रहा, मैं बार बार बहुत रिक्वेस्ट किया, मना कर दिया, बोला नहीं रिपोर्ट नहीं होगी, आप फैसला कर लो और तो ठीक रहेगा। वहाँ पर एक सिपाही मुकेश भारती, उसने एक डंडा चलाया तो हमारे लड़के के हाथ में लगा, लड़का हमारा घायल हो गया, हम FIR कर लो, लेकिन पुलिस वालों ने FIR नहीं की और उल्टी मेरे लड़के के खिलाफ FIR कर दी। आरोप पुलिस प्रशासन पर है। फौजी की शिकायत लिखने के बजाय उसके खिलाफ ही केस दर्ज किया गया है। SP साहब कैसे अपने पुलिस कर्मियों का बचाव करते नजर आए, ये भी सुनिए। उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जो है इसने गाड़ी नहीं रोकी। ये कांस्टेबल है मुकेश भारती, उसने सब पीछा किया और उसका ये कहना है कि उस लड़ाई का अपराधी व्यक्ति है, नहीं रुक रहा है, तो उसने पीछे डंडा मार दिया। सूचना पर इसके बाद जब वही रुक गया, उसने हंगामा काटा, फौजी ने इसके साथ जो है हत्या की थी सिपाही ने, तो सिपाही ने भी उनको खिलाफ रुकवाया, सिपाही को नाहेज कर दिया गया है और दोनों मामले की जाँच हो रही है। सीमा पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला ये जवान सिस्टम के आगे बेबस है। परिवार परेशान है, फौजी को ही आरोपी बना दिया गया है और अब न्याय के लिए वो दर दर भटक रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस जवान को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार क्या एक्शन लेती है। मैनपुरी से संजय शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।